नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से दो सीटों की आजकल बहुत चर्चा हो रही है। एक है गोरखपुर और दूसरा है लखनऊ कैंट। गोरखपुर की चर्चा इसलिए हो रही है कि वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी पार्टी ने फैसला किया है, जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव वार कर रहे हैं कि पार्टी ने अभी से ही उनको घर भेज दिया है। और दूसरी सीट है लखनऊ कैंट, जिससे कि अखिलेश यादव बहुत नज़दीक से जुड़े हुए हैं। लखनऊ कैंट के चर्चित होने का कारण ये है कि वहीं से उनके छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पिछला चुनाव लड़ी थी और रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अब बीच में खबर आई थी कि अपर्णा यादव जो है अपने को उपेक्षित महसूस कर रही हैं समाजवादी पार्टी में और बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जिसका जवाब आज अखिलेश यादव ने दिया कि ये मेरे घर का मसला है, बीजेपी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अपर्णा यादव की बीजेपी से नज़दीकी है। जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब उनके गौशाला में गए थे और भी उनकी मुलाकातें होती रही है। अखिलेश यादव ने हाल के दिनों में जिस तरीके से पिछड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उसके मद्देनज़र बीजेपी ये दांव चल सकती है। राजनीति में किसी भी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, ये संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। लेकिन अभी उस पर धुंध छाई हुई है, कुछ क्लियर नहीं है कि क्या अखिलेश यादव के भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में आएंगी कि नहीं आएंगी। चाचा शिवपाल यादव ने भी कह दिया है कि राजनीति में एकाएक सब कुछ नहीं मिल जाता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है। अखिलेश यादव बोले हैं कि हमारे घर का मसला है, बीजेपी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये तो रह गया जिस हिसाब से वो जुड़े हैं इस सीट से, ये मसला। लेकिन बात आगे की, बीजेपी में भी इस सीट के कई दावेदार हैं। आपको बता दें कि ये सीट जो है शुरू से लेकर के और अभी तक 6-7 बार कांग्रेस और बीजेपी का कब्जा रहा है। शुरू में तो कांग्रेस का ही कब्जा था। 2012 में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस के टिकट पे इस सीट से जीती थी और 2017 में बीजेपी के सीट पे जीती। इसके बाद जब 2019 के चुनाव में वो लोकसभा सांसद बनी तो ये सीट खाली हो गई और यहाँ से एक बार फिर सुरेश चंद्र तिवारी, जो पहले भी सीट से जीतते रहे हैं, वो उपचुनाव में लड़े और चुनाव जीते। तो एक तरफ सुरेश चंद्र तिवारी भी दावेदार हैं, लेकिन उनसे बड़े दावेदार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दिनेश चंद शर्मा, वो उनकी भी चर्चा है इस सीट से लड़ने की। वजह ये है कि इस सीट पे अभी तक 14 बार में से लगभग 12 बार ब्राह्मण जीते हैं। तो चूंकि बीजेपी सारे बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी हो सकते हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो मैसेज देना चाहती है, दिनेश चंद शर्मा की भी दावेदारी है, सुरेश चंद तिवारी की भी दावेदारी है। लेकिन रीता बहुगुणा जोशी इस सीट को लेकर के अड़ गई है। क्या रीता बहुगुणा जोशी कह रही हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले सकता हूं यदि बीजेपी परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट नहीं देगी तो मैं अपने को माइनस कर लेती हूं, लेकिन मेरे बेटे मयंक जोशी को इस सीट से टिकट चाहिए। 2019 के चुनाव में, यानी लोकसभा वाले चुनाव में, मयंक जोशी ने ही रीता बहुगुणा जोशी का पूरा संगठन का काम देखा था। 2017 में भी उनकी भूमिका रही। तो कह रही हैं कि बेटे ने मल्टीनेशनल कंपनी की नौकरी छोड़ करके और राजनीति में कदम रखा, उसने मेरी मदद की और मैं चाहती हूँ कि अब वो यहाँ से चुनाव लड़े। यदि बीजेपी को इस बात पर दिक्कत है कि यहाँ पर परिवारवाद नहीं चलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लेती हूँ। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वो पार्टी पदाधिकारियों से मिली भी हैं और कोई चिट्ठी भी उन्होंने लिखी है जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। होता क्या है कि लास्ट में औलाद जो होती है ना, संतान, वो कमजोरी बन जाती है। रीता बहुगुणा जोशी अब इस सीट को लेकर के भावुक हो रही हैं। वजह यह है कि इस सीट से जो भी खड़ा होगा उसकी जीत लगभग पक्की है। तो वो चाहती हैं कि मयंक जोशी, उनके बेटा, जब राजनीति में पदार्पण करे, चुनावी राजनीति में आए, तो पहला चुनाव ना हारे और इसके लिए चाहे मुझे जो सेक्रीफाइस करना पड़े तो वो सेक्रीफाइस करने को तैयार हो गई है। इस वजह से लखनऊ कैंट सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है। अब देखते हैं कि बीजेपी क्या डिसाइड करती है। अपर्णा यादव आती हैं बीजेपी में, दिनेश शर्मा लड़ते हैं यहाँ से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, या मयंक जोशी लड़ते हैं, या सुरेश चंद्र तिवारी लड़ते हैं बीजेपी में। ऑलरेडी पहले से ही 3 दावेदार हैं। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।